क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है यार, तुम बताओ क्या हो रहा है आजकल? बोलो, कुछ सवाल किया तुमसे। एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ हामिद के साथ। कौन सा प्रोजेक्ट? ट्यूबलाइट। हमारे बगैर? हम तो उसी वक्त खत्म हो गए थे ना, उसी रात अलग हो गए थे। हामिद ने मुझे 50% की पार्टनरशिप ऑफर की और मैंने एक्सेप्ट कर ली, हाँ कर दिया बस। ऐसे कैसे हाँ कर दिया? हाँ, क्योंकि ये मेरा राइट है और फाइनेंसेस तो वैसे भी मेरे थ्रू आ रहे थे ना। तुम सबको तो लड़ने झगड़ने से फुर्सत ही नहीं है, तुम इन बैठे रहो। ये ट्यूबलाइट सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम पांचों की कंपनी है, पांचों की। और वैसे भी हमारा आइडिया तो किसी और कंपनी ने चुरा लिया था। दैट्स माय प्रॉब्लम, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे? तुमने बाकियों को बताया? मैंने जरूरी नहीं समझा। कहाँ गई तुम्हारी लॉयल्टी? हाँ, लॉयल्टी? तुम मुझे लॉयल्टी के ऊपर लेक्चर देने आए हो? पूरा एक महीना हो गया, तुम में से किसी ने एक फोन तक नहीं किया, एक मैसेज नहीं किया, पूछा भी नहीं मैं किस हाल में हूँ। मरियम, हम तुमसे कहीं ज्यादा बुरे हालात में हैं। ओह, दैट्स रियली सेल्फिश। सेल्फिश? सेल्फिश तो तुम बिहेव कर रही हो यार। अगर तुम मुझसे बहस करने के लिए आए हो ना, तो आई एम नॉट इन द मूड। सही कहा, मैं तो यहाँ आया तुम्हें अपना दर्द बताने के लिए, लेकिन शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ। वैसे जैसी तुम लगती हो वैसी तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। तो तुम क्या समझ रहे थे? मतलब तुम हमेशा बड़ी प्रॉपर टाइप सी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम तो प्रेम एंड प्रॉपर तो मैं हूँ, लेकिन अगर मीटर घूम जाए ना तो ऑल बेट्स आर ऑन। और वैसे भी जिस तरह से उस लड़की ने किया, अगर वो लड़का भी होती ना, मैं फिर भी पीट देती। मुझे तो तुमसे डर ही लग रहा है। डर या एम्बैरस हो रहे हो कि लड़की ने तुम्हारी जान बचाई? अच्छा, सही कह रही हो, तुमने मेरी जान बचाई है। चलो, तुम्हारे साथ हैंग आउट करने का एक तो फायदा होगा, मुझे कुछ खास नहीं होगा क्योंकि लड़ना मुझे अकेले नहीं पड़ेगा। ऑलवेज। वैसे भी मुझे लोग ना आसानी से पसंद नहीं आते। आई मीन ऑल दीज फ्रेंड्स, ये सारे ऊपर ऊपर से, क्लोज तो दो चार ही होते हैं, या फिर वो भी नहीं। वैसे तो मुझे लगता है मसला मुझ में, क्योंकि मैं किसी के लिए ना कुछ एवी नहीं करती। आई ऑलवेज हैव एन एक्सपेक्टेशन। यू नो देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। डोंट वरी, तुम्हारे लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। मैंने कहा पता नहीं क्या कहने वाली है उसके बाद। डर डर के क्या जीना मिस्टर हमजा। अच्छा चलो मेरे घर चलते हैं। नो, एक्चुअली मुझे घर ड्रॉप कर दो। अरे चलो ना, लेट्स गो टू माय प्लेस। चलो 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 चलो। मेमोरेबल नाइट गुजरी हमारी। Honestly, मेमोरेबल तो थी। I knew I'd get along with you. और मैंने भी आज तुम्हारी दूसरी साइड डिस्कवर की है। मैंने भी। खैर, लेट हो गया, मैं चलता हूँ। अरे बैठो, भी टाइम ही कितना हुआ है।